समय आया कि कभी देश के प्रधानमंत्री रहने वाले चंद्रशेखर जी एक ही साथ बलिया से और महाराज दोनों जगहों से चुनाव लड़े। चंद्रशेखर को काफ़ी वोटों से जिता दिया, लेकिन जब समय आया और दोनों जगह से जब जीत गए तो समय आने पर उन्होंने महाराजगंज को त्याग कर दिया। महाराजगंज में लोगों में मायूसी आई, ठेस पहुंचा। 45 साल में सिवान के राजनीति की बात करूं तो सबसे बेहतर विकास मॉडल किसका रहा? विकास का माने में सिवान जिला में जो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय। नमस्कार, मैं कुमार रोहित। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिवान की राजनीति को बेहद ही करीब से जानने वाले उमाशंकर सिंह। ये 3 बार महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। ये लगभग सिवान की राजनीति में लगभग 45 सालों से सक्रिय हैं। सर, सबसे पहले मैं अपने चैनल वेब समाचार में आपका स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल कि राजनीतिक तौर पर 45 सालों में सिवान कितना बदला है? सिवान 45 साल में इस कदर बदला है कि आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, जितने सांसद या विधायक चुने गए, सबों में कुर्बानी, त्याग, ईमानदारी की भावना थी और लोगों का काफ़ी विश्वास रहता था। लेकिन एक समय आया कि कभी देश के प्रधानमंत्री रहने वाले चंद्रशेखर जी एक ही साथ बलिया से और महाराजगंज दोनों जगहों से चुनाव लड़े, और उन्होंने महाराजगंज में कहा था कि दोनों जगहों में जहां से सबसे अधिक अगर हमको वोट मिलेगा तो वहीं का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, अगर दोनों जगह जीत गया तो, और एक जगह से मैं इस्तीफा दे दूंगा। दुर्भाग्य इस बात की है, लोग तो कहेंगे कि छोटी मुँह बड़ी बात बोलता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि महाराजगंज की जनता इस बात में आकर के चंद्रशेखर को काफ़ी वोटों से जिता दी, लेकिन जब समय आया और दोनों जगह से जब जीत गए तो समय आने पर उन्होंने महाराजगंज को त्याग कर दिया और बलिया से वो रह गए। जो महाराजगंज में लोगों में मायूसी आई, ठेस पहुंचा और लोग अपने को थोड़ा सा निराशा की भावना से देखने लगे, और तब से गिरावट भी प्रारंभ हो गई। और आज के डेट में कहा जाए तो नैतिकता तो बहुत माने में समाप्त हो चुका है। अगर मैं 45 साल में सिवान की राजनीति की बात करूं तो सबसे बेहतर विकास मॉडल किसका रहा? अभी तक तो जो हमारी अपनी व्यक्तिगत समझदारी है, किसी राजनीति से में रह करके नहीं, राजनीति से परे, यूँ तो मैं समाजवादी विचारधारा से आता हूँ कि विकास का माने में सिवान जिला में जो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है इस सांसद के माने में। और जहाँ तक सिंपलिसिटी का सवाल है और लोगों को आसानी से अपने विधायक तक मिलकर अपनी बात कहने का जो मौका मिला, उसमें मानिक चंद्र राय और अब्दुल जलील का नाम प्रशंसनीय है, दोनों का नाम प्रशंसनीय है, और दोनों अपने आप में जनता के नज़दीक रह करके काम करने वाले थे। अगर मैं पूरे सिवान जिले में विधायक के तौर पर बात करूं तो सबसे बेहतर विधायक किसको आप मानते हैं? हम तो मानिक चंद्र राय को इसलिए मानते हैं, वो बिल्कुल सादगी वाले और लोगों के नज़दीक रह कर काम करने वाले। उनके कुछ कामों को आप बता सकते हैं जिन्होंने उन्होंने बेहतर काम किया हो? वो तो उनका क्षेत्र ही था बसतपुर, और बसतपुर में जिस ढंग से काम करते थे, आज भी लोग वहाँ पर कहते हैं कि मानिक चंद्र का काम करने का शैली भिन्न था और अच्छा था। अभी देखा जाए सिवान जिले में तो 45 सालों में क्या क्या बदलाव हुई हैं राजनीति में, उठा पटक में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखा जाता है, राजनीति में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, तो आप इस राजनीति को किस बेहतर तरीके से देखते हैं और कितना बदलाव में देखते हैं उसमें? बदलाव तो शुरू में ही हमने कहा कि राजनीति में पहले जो त्याग स्पर्शा की जो बात थी और नैतिकता की जो बात थी, जिसको मैंने पूर्व में जिक्र किया, वह लगभग समाप्त नहीं हुआ, लगभग समाप्त हुआ। और आज के परिस्थिति में नेता लोग भले नेतृत्व करते हैं लेकिन आम जनता के दिल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, और आम जनता का स्नेह भी जिस ढंग से होना चाहिए उस सांसद के प्रति या विधायक के प्रति ना के बराबर।
आप 3 बार महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, तो आपको क्या अनुभव रहा उस विधानसभा चुनाव लड़ने के तत्पश्चात? चुनाव के दौर में लोगों की ये समझदारी बनती थी कि ये उम्मीदवार किसी से खराब नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन पैसे के बदौलत इन लोगों से कमजोर पड़ जाते हैं, यही इनमें कमी है। अन्यथा हमारे प्रति लोगों का जो समझदारी थी अपने आप में अहम थी। अब देखा जा रहा है कई पार्टियों के द्वारा जो सीनियर नेता हैं उनकी पार्टियों में, उनको अब दरकिनार किया जा रहा है, अब युवा सबको मौका दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो अनुभव है और जो अनुभवहीन है उसमें आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं? ये तो विकास की प्रक्रिया में इसको होना ही, इसलिए होना है कि जो धीरे धीरे बूढ़े हो चुके हैं उनको थोड़ा सा हटना चाहिए और नए जो नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन बूढ़े लोगों को बिल्कुल दरकिनार न करके उनके ज्ञान को, उनके तपस्या से हम नए नौजवानों को सीख लेनी चाहिए और आगे नेतृत्व करना चाहिए। अभी आपको महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ दिखाई देती हैं? मैं आए दिन देखता हूँ कि महाराजगंज क्षेत्र का जो मार्केट है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी और जल समस्या की उत्पन्न होती है, तो आप लगभग बहुत सालों से वहाँ उत्पन्न हो रही है, तो क्या कोई जनता वहाँ विरोध नहीं करती है? जनता तो बिल्कुल विरोध करती है, अनेक बार अखबारों में विरोध का स्वर भी निकला है, लेकिन राजनीतिक कुछ दाव पेश में अपने वर्चस्व को लेकर के महाराजगंज ओवरसियर चौक से लेकर के और थाना तक रोड बिल्कुल जर्जर है, बिल्कुल खराब है और पानी लगा हुआ गड्ढा में तब्दील हो चुका है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को ध्यान उस पर नहीं है। और खाने के लिए कभी अपना हाथ वो पूजवाते हैं कि हम बनवा देंगे, कभी वो हाथ पूजवाते हैं कि हम बनवा देते हैं, सच्चाई से परे। लगभग आप बहुत सालों से राजनीति में हैं, तो आप सबसे बेहतर महाराजगंज के विधायक को किन को देखते थे? यूँ तो जहाँ तक विधायक का सवाल है, कम ही समय रहा राज्य स्तर पर मुँह देने वाले, गरीबों को, शोषितों को आगे बढ़ाने वाले लालू यादव हैं, और विकास के मानों में नीतीश कुमार जी हैं। उसी ढंग से विकास के माने में अपने पीरियड में बैजनाथ पांडे जी जो काम किए वह सराहनीय रहा। विपक्ष का ये भी आरोप है कि सुशांत सिंह बाबू सिर्फ वादे करते निभाते नहीं हैं। एकाएक आम लोगों में जितनी भावनाएं उठती हैं सबों का समाधान एक साथ नहीं हो सकता है, और उस माने में जितना तुलनात्मक रूप से जो हम देखते हैं, तुलनात्मक रूप से जितना वो काम किए हैं वो हमको लगता है कि सबों से बेहतर है। अब विपक्ष का ये भी आरोप है कि 15 सालों में पहले लालू के समय में बहुत जंगल राज था, लेकिन अब ये भी कहना है कि 15 साल से ज़्यादा अभी जंगल राज है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। पहले के बनस्पत तो जंगल राज नहीं है, लेकिन जिस माने में विकास हो रहा है और उस माने में हर चारों तरफ से लोग जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उतनी सफलता नहीं मिलती है, इसे लोगों में थोड़ा सा संतोष तो स्वाभाविक है। अब मैं दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ, तो आपको दुरौंदा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक क्या कमियाँ दिखाई देती हैं? दुरौंदा क्षेत्र पहले से भी थोड़ा पिछड़ा रहा है, और आज के डेट में भी अगर जैसे झोर का ही सवाल है, पानी का निकासी अगर ढंग से हो जाए तो किसानों को बहुत फायदा हो, जो काम किसी के पीरियड में नहीं हो रहा है, अगर इस समय भी हो जाए, अभी भी हो जाए, तो आम जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ के पूर्व विधायक बोलते हैं कि मैं दुरौंधा को विकास मॉडल के रूप में बनाना चाहता हूँ, और वर्तमान में विधायक का ये भी आरोप है कि दरौंदा का जो पहले जो पीछे के विधायक थे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो झूठ मूठ के वादा करते हैं कि दरौंदा का विकास मॉडल यहाँ मौजूद है। वो तो अपने अपने सोच ही बात है, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो अभी नए हैं, तमन्ना है कुछ काम करने का, लेकिन अभी जितने दिनों से हैं अभी उनको जितना काम करना चाहिए नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगता है कि काम करने की तमन्ना उसमें है। अगर आपको लगता है कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं?
जनता का सवाल तो सर्वोपरि है, उस चिकित्सा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, परिवहन हो, जो भी क्षेत्र है, हर जगह कमी तो है ही और रहेगी भी, और सब में अगर एक साथ काम नहीं किया जाए तो सर्वांगीण जो विकास कहते हैं वह संभव नहीं हो पाएगा। कि हम किसी एक को कह दें तो जैसा शरीर है और शरीर में किसी एक अंग में मोटापा आ जाए तो हम उसको फैलेरिया मानेंगे। पूरे बॉडी में अगर एक साथ वो तंदुरुस्ती के रूप में जो बढ़ाव होता है उसको हम स्वस्थ मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम चीज़ों में अगर विकास हो तब ना हम समझेंगे कि महाराज में विकास हो, इसी मनोकामना से मैं इस बात को कर रहा हूँ। क्या अगर ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री जो वर्तमान में सिवान जिले के ही हैं, तो आप क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया? मंगल पांडे एक नौजवान व्यक्ति है, करने की तमन्ना है, लेकिन अभी कहाँ तक संभव हो पाएगा उनसे। यूँ तो कल ही एक उद्घाटन हुआ है महाराजगंज में, और जिस ढंग से काम होना चाहिए अभी संतोष लोगों में नहीं है, लेकिन उनमें तमन्ना है कि हम कुछ करें। मतलब युवा के तौर पर देखा जाए कि उनको अंदर तमन्ना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बिहार को आगे बढ़ा, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि जो कोरोना महामारी है तो उस कोरोना महामारी में बिहार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लचर हैं, कोई दिखाई नहीं देती है। नहीं, जितना दिखाई देना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता, और काम जो है हो रहा है अपने गति से हो रहा है, और मंगल पांडे अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, उनका प्रयास है कि नहीं इस काम में जागरूकता लाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुँचे। अगर बिहार विधानसभा के चुनाव आगामी आने वाला है तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको फिर से दिखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर जहाँ तक देखने का सवाल है, और अभी तक जिन लोगों को हमने देखा है या जिनके विषय में हमने सुना है, उसमें विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार को हम अभी सर्वोपरि मानते हैं बिना किसी भेदभाव। क्या आपको नहीं लगता कि अब युवा को मौका देना चाहिए? जो लगभग 15 सालों से नीतीश कुमार अभी तक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब एक युवा को मौका देना चाहिए? देने के लिए नहीं दिया जाता है, काम के दौर में जो बूढ़े हो जाते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, जो नौजवान होता है वो आगे बढ़ जाता है, अपने आप उस चीज़ को पकड़ लेता है। क्या आपको लगता है कि एक युवा बिहार प्रदेश का विकास नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन अभी तुरंत चाहे कि आज ही हमारे कन्हा पर हर रखा गया, पालू रखा गया, आज ही हम 5 बीघा जोत दें तो नहीं जोत पाएगा, धीरे धीरे उसको काम में लगेगा तो उस काम को पूरा कर सकता है। चीरा, अब जदयू और लोजपा की मैं बात करूँ तो उसमें तकरारें दिख रही हैं, कहने के लिए गठबंधन है लेकिन आपस में बराबर देखा जाता है कि झगड़ा चलते रहता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो गठबंधन की सरकार है क्या सही तौर पर गठबंधन की सरकार है? ये तो उन लोगों की अंदरूनी मामला है, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और ये तो होता ही रहता है। मेनी माइंड्स, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग दिमाग है, अपने अपने नज़रिया से लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो इसमें उन दोनों में कोई किसी बिंदु पर अगर टकराव हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या होगा उन लोगों के अंदरूनी मामला। जब आपको ये लगता है कि अंदरूनी मामला है, जब आप गठबंधन में तो सभी का सुर तो एक समान होना चाहिए, वो चाहे लोजपा हो, वो चाहे भाजपा हो या जदयू हो, तो सबकी नीति एक समान होनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन में जब कोई भी सरकारें होती है, जो कोई भी पार्टी चलाई जाती है तो एक साथ चलनी होती है, तो देखा जा रहा है इसमें फूट पड़ती जा रही है। फूट पड़ने का सवाल नहीं है, जब सरकार बनती है और सरकार बनते वक्त अगर कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दिया जाए जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि रहे और उसकी समय समय पर बैठक होता अगर रहे तो किसी की सरकार रहेगी और जो भागीदार रहेंगे उनको लगेगा कि हमारा भी सुझाव माना गया और काम बेहतर हो। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की समय समय से बैठक नहीं होगी तो असंतोष होगा ही। मुसगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।